हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि alibaba.com पर हमें एप्लीकेशन आती है, यहाँ पर तो यहाँ पर हम अपना पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो अगर गाइस आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये सब करने के लिए alibaba.com के अंदर आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर तीन लाइन आपको दिखेगी, तो तीन लाइन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर सबसे नीचे आपको मिलेगी सेटिंग्स, तो सेटिंग्स पर आपको चले जाना है। जैसे गाइस सेटिंग्स पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा चेंज पासवर्ड, तो चेंज पासवर्ड पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही चेंज पासवर्ड पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर सेफ्टी चेकिंग और आपका अकाउंट प्रैक्टिस, जो आपको एक आपके ईमेल पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, अब वहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, तभी आपका ये प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर हमारा ईमेल जो है आ चुका है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम इस पर रिडायरेक्टली पहुँच जाते हैं और वहाँ पर कोड देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है अपना ईमेल आईडी जो है कॉपी कर लिया है, सॉरी अपना जो वेरिफिकेशन कोड था वो कॉपी कर लिया है। यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर हमसे एंटर करंट पासवर्ड, पहले वाला पासवर्ड पूछेंगे और यहाँ पर हम डाल देते हैं और फिर न्यू पासवर्ड, कंफर्म न्यू पासवर्ड, तो न्यू पासवर्ड भी हम डाल देते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप ओल्ड पासवर्ड डालते हैं और न्यू पासवर्ड डालते हैं तो आपका जो पासवर्ड होना चाहिए यूनिक होना चाहिए, यानी कि पहले से मैच करता हुआ होना चाहिए। उसके बाद आपको सिर्फ नेक्स्ट करना है, आपका जो पासवर्ड है वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर करा नहीं है क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने नहीं करा। तो इस तरीके से वैसे आप पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, लाइक करने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।